मैं यतींद्र मिश्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की एक दिलचस्प कहानी आपको सुना रहा हूँ। शायद आप ये न जानते हों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपने बचपन के दिनों में, तरुणाई के समय में, अपनी संगीत की तालीम किस तरह से ले रहे थे। वे बालाजी के मंदिर में शहनाई बजाने और रियाज़ करने जाते थे अपने बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ। हर दिन बालाजी के मंदिर का जो रास्ता था वो दाल मंडी से होकर गुजरता था। दाल मंडी जहाँ पर उनकी प्रिय गायिकाओं रसूलन बाई और बतूलन बाई का कोठा पड़ता था। अब अपने खां साहब बतूलन के कोठे की सीढ़ियों पर अपना दिल हार बैठे। जब दिल हार बैठे तो वहाँ पर अक्सर चोरी से छुप के जाएं और बतूलन के कोठे की सीढ़ियों पर बैठे रहें। शमसुद्दीन को ये बात समझ में नहीं आती थी कि ये रियाज के लिए तो मौके पे निकलता है, लेकिन हमारे रास्ते क्यों जुदा हो जाते हैं। और ऐसे में जब शमसुद्दीन को शक हुआ तो बिस्मिल्लाह खां साहब पकड़े गए। हमारे सबके बिस्मिल्लाह खां साहब 14 साल की उम्र में, जब उनका नाम कमरुद्दीन या अमीरुद्दीन हुआ करता था, और ऐसे समय में उनको बहुत डांट पड़ी। उनको ये डांटा गया कि मरदूद ऐसी नापाक जगहों पर आता है, ऐसी जगहों पर आएगा तो खुदा नाराज़ हो जाएगा। खां साहब वहीं बैठ करके सारी मीण मुरकी हरकत लयकारी तान सुनते थे, और जिस तरह से बतूलन गाती थी उसी तरह की लयकारी अपनी शहनाई में निकालने का प्रयास करते थे। तो हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो अभ्यास का मामला था जो उनको तालीम की शक्ल में मिल रहा था, जबकि उनके मामा द्वय सादिक हुसैन और अली बख्श दोनों से ही उन्होंने बाकायदा शिक्षा ले रखी थी। जब शमसुद्दीन ने डांटा तो अमीरुद्दीन सहम गया और उन्होंने कहा, खुदा क्यों नाराज़ होगा, इस दिल से निकली आवाज़ उसमें पाक और नापाक क्या होता है, भला क्यों खुदा नाराज़ होगा, मेरी समझ से बाहर है। शमसुद्दीन चुप हो गए, वो कुछ बोल नहीं पाए और दोनों भाई चुपचाप घर लौट आए। और धीरे धीरे खां साहब ने अपने परिवार को ये समझा लिया कि दाल मंडी से होकर गुजरने वाला रास्ता दरअसल उनकी तालीम का मामला भी बनाता है। अब वो बालाजी मंदिर जब जाते थे तो कभी कई दफ़ा समय निकाल कर बतूलन बाई के कोठे की सीढ़ियों पर बैठते थे। हमारे अब के बिस्मिल्लाह खां, हमारे आप सब के बिस्मिल्लाह खां साहब, जिन्होंने इतना बड़ा मौसीकी का मयार रचा है, उसमें कहीं ना कहीं दाल मंडी की वो तालीम भी शामिल है जो उनके शहनाई के प्याले से राग खटका मुड़की और तमाम सारी चीज़ों के माध्यम से निकलती है।